कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने मसाला रसोई घर में। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही बढ़िया चीले की रेसिपी है। सिर्फ 2 कच्चे आलू से आप बना सकते हैं बहुत ही हेल्दी चीला। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए देर ना करते हुए मैं फटाफट रेसिपी को शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चीला बनाने के लिए मैंने लिया है 2 आलू, 2 कच्चे आलू मैंने लिया है फ्रेंड्स, और इसे मैं इस तरीके से ग्रेट कर लूँगी। ठीक है, देखिए आप इस तरीके से कद्दूकस कर लीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने दोनों आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पत्ता गोभी, तो उसे भी मैंने कद्दूकस कर लिया था पत्ता गोभी को। और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ प्याज, और बारीक कटा हुआ मैं डाल रही हूँ यहाँ पर शिमला मिर्च, और फ्रेंड्स यहाँ मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं, और यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भरकर चावल का आटा। इससे बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनेगा हमारा। और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून अरारोट, और यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून बेसन, और स्वाद के अनुसार मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, और चिली फ्लेक्स मैंने डाला 1 टेबल स्पून भरकर, और 1/2 टेबल स्पून मैंने डाला यहाँ पर काली मिर्च पाउडर, और धनिया हम डाल लेंगे यहाँ पर, और अच्छे से इसे हम मिला लेंगे फ्रेंड्स। बढ़िया सा एक गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे, बिना पानी का हमें इसे मिलाना है फ्रेंड्स। तो चलिए अच्छे से हम इसे मिला लेते हैं, हाथों से ही इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। इसमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरीके से अच्छे से मिला लीजिएगा। इसके चीले बहुत ही बढ़िया बनेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे ये। तो चलिए अच्छे तरीके से मैं इसे मिला लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया मिल चुका है। अब चलिए हम बनाने के लिए, ये मैंने पैन रखा है यहाँ पर, और बहुत ही कम तेल मैंने इस्तेमाल किया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने तेल यहाँ पर लगाया है। और जो हमारा बैटर है ना, इसमें हम अच्छे तरीके से फैला लेंगे। इस तरीके से आप फैला लीजिएगा फ्रेंड्स, चारों तरफ से पूरे पैन में अच्छे से आप फैला लीजिएगा। करीब 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे पकने में। तो चलिए इसे मैं कवर कर देती हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ, तो देखिए नीचे से काफ़ी अच्छे से सिक चुका है, तो मैं इसे पलट लूँगी फ्रेंड्स। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ मैं, और अच्छे तरीके से मैंने प्लेट में पलट लिया है। अब प्लेट से हम इसमें निकाल लेंगे फिर से थोड़ा सा ऑयल लगाकर, बहुत ही कम आपको ऑयल लगाना है इसमें। तो ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया आप देख सकते हैं ऊपर से सिक चुके हैं, कलर बहुत ही बढ़िया आया है यहाँ पर। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया ऊपर नीचे से अच्छे से सिक कर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं कलर बहुत ही बढ़िया आया है, ये अंदर से भी अच्छे से सिक चुके हैं। तो अब मैं इसे फटाफट निकाल लूँगी, और इसी तरीके से मैं सारे चीलों को बना लूँगी। तो ये लीजिए हमारा गर्मा गर्म चीला तैयार है। तो ये लीजिए मैंने बना लिया है चीले को, और मैं प्लेट में लगा रही हूँ। तो ये लीजिए, ये हमारा गर्मा गर्म हेल्दी चीला बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर से मैं लगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा बटर, इससे स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से डाल दिया धनिया, और ये दही के साथ मैं लगा रही हूँ, और थोड़ा सा टोमेटो केचप के साथ। तो इसे आप सर्व कीजिए गर्मा गर्म, बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी नाश्ता आपका फटाफट 5 मिनट में तैयार हो जाएगा बनकर। लेकिन मानिए बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी लगेगा ये आपको। तो आप देख सकते हैं अंदर से भी बहुत ही बढ़िया सिक चुका है, तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ आप सबसे अपने नए नेक्स्ट रेसिपी में।